हेलो, मिस दिदम बोल रही हैं। अरे हयात, बोलो ना। क्या आप यहाँ ऑफिस बिल्डिंग में ही हैं? मुराद सर आपसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए मैंने कॉल किया था। मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। मैं यही हूँ हनी, मैं अभी आती हूँ। देखा ना, मुराद मुझे मिस कर रहा है इसलिए बुलाया है। अब तो वो मुझे देखे बिना रह ही नहीं सकता, इसलिए अब मुझे जाना होगा। वो इंतजार कर रहा है। निकलो, जाओ 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 जाओ। पता है तुम्हें यकीन नहीं होगा अभी क्या हुआ। मुराद का कॉल आया था और उसने मुझसे अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करवाया। मन तो करता है कि हाथ में जो भी आए उससे पकड़ के उनका खून कर डालूं। सिमट करो हयात, करियर के बारे में सोचो, सैलरी रेट भी नजदीक है, जरा हिम्मत से काम लो तुम। देखो हयात, जो भी हो जाए तुम्हें शांत रहना है, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो और ये बात मत भूलो कि वो सिर्फ तुम्हारा बॉस है। चलो अब मेरे साथ बोलो, वो सिर्फ मेरा बॉस है, 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 वो सिर्फ मेरा बॉस है। अच्छा सुनो, मैं फोन रख रही हूँ, मेरे बॉस की गर्लफ्रेंड जो यहाँ आ रही है। हयात मेरी प्यारी दोस्त, मैंने पूछा नहीं कैसी हो तुम। बहुत खुश हूँ, दुखी होने की कोई वजह ही नहीं है। आज तो मैं कुछ ज्यादा ही खुश हूँ। कैसे हो सकता है, सबसे ज्यादा खुश तो मैं ही हूँ। और वो क्यों? चलो मैं शॉर्ट में बताती हूँ। मेरी बर्थडे पार्टी कमाल रही, मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि तुम जल्दी चली गई थी। तुम्हारे जाने के बाद मैं और मुराद काफी देर तक साथ में ही थे। बाकी बातें बाद में बताती हूँ, मुराद मेरा कब से इंतजार कर रहा है। बाय बाय। हाय डार्लिंग, मैंने सुना तुम मुझसे मिलना चाहते हो। तुमने आज का अखबार नहीं देखा? देखा मैंने। तो फिर इतने खुश क्यों? अच्छा ये बताओ, ये खबर तुमने ही छपवाई है ना? मैंने नहीं, एक्चुअली मैं बहुत नर्वस फील कर रही थी इसलिए मैंने दवाई खा ली, शायद उसी की वजह से। एक्चुअली मुझे एक पुराना रिलेशनशिप याद आ गया था इसलिए मैं। ओके, देखो अब सॉरी, अब मैं पूरा वीकेंड दादी जान को मनाने की कोशिश कर रहा था इसलिए अब। मैं भी, मेरे फैमिली में भी सेम इश्यूज चल रहे हैं। डोंट वरी, इसके पीछे कौन है मैं ढूंढ निकालूंगा। इतना तो मैं जानता हूँ कि ये मेरे स्टाफ का काम नहीं हो सकता। कहीं ये तो नहीं कि तुम्हारे दोस्तों में से किसी एक ने किया हो? बिल्कुल नहीं, मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, मुझे पूरा यकीन है। शायद ना हो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के बीच में नहीं आना चाहता, पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और उनसे पूछना होगा। अच्छा मैं उनसे पूछ लूंगी, मुझे एक जरूरी कॉल आ रहा है, मुझे इसे अभी आंसर करना पड़ेगा। फिर मिलते हैं। बाय बाय। हेलो, क्या तुम पहुंच गए हो? हाँ मैम, मैं सातवें बिल्डिंग में हूँ, आपने कहा था कि एक बार कॉल करूँ वहाँ पे आके। ओह ग्रेट, मैं फोर्थ फ्लोर पर हूँ, तुम जल्दी लेकर आ जाओ। चाला हनी, तुम्हें सब शोरूम में ढूंढ रहे हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उप्स। जल्दी 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 जल्दी, बहुत अच्छे। और सुनो, ये फूल उस केबिन में जाकर वहां पे दे दो, चलो जाओ। Yes? इस पर किसी सुना पेक्टिस का नाम लिखा हुआ है। तो मैं तुम्हें सुना पेक्टिस दिखाई देता हूँ। जी नहीं, लेकिन वो कहाँ मिल सकती हैं? मैं उनका असिस्टेंट नहीं हूँ इसलिए मुझे नहीं पता। माफ कीजिएगा सर। तुम बिना पूछे मेरे कैबिन में घुस आए और मेरा टाइम वेस्ट किया और अब मुझसे माफी मांग रहे हो? इन फूलों के साथ दफा हो जाओ। सॉरी सर, दोबारा नहीं होगा। hey, रुक जाओ, रुको, मैंने माइंड चेंज कर लिया है, मेरे टेबल पर रख दो। मैं खुद उन्हें दे दूंगा। हाँ हाँ
हुआ है क्या? शांत हो जाओ, किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। हम तो यहाँ अच्छे काम से आए हैं। डॉक्टर से मिलकर चले जाएंगे आप? कौन से डॉक्टर से मिलना है? मैं मिलवा देती हूँ। प्यार का डॉक्टर, इश्क का डॉक्टर, मुझे यकीन है वही हयात को ठीक कर सकता है, वही ठीक करेगा उसे। महामुरे के बारे में बताओ। हाँ, महामुरे का भतीजा इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर का काम करता है और हम इस बार उसे डॉक्टर के तौर पर नहीं, दूल्हे के तौर पर मिलने यहाँ आए हैं। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, जितने भी लड़के फाइनल लिस्ट में हैं उनके इंटरव्यू ले रहे हैं। ओह, कौन है वो? कौन से डॉक्टर, मतलब कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है वो? जनरल, उसने बताया नहीं था। उसका नाम क्या है? कादिर, डॉक्टर कादिर नाम है उसका। यहाँ पर कादिर नाम का कोई डॉक्टर काम नहीं करता। क्या कह रही हो? महामुरे ने खुद बताया था। उसका पूरा नाम क्या है? ये देखो, देखो। हाँ, कोसे बताया था, डॉक्टर कादिर कोसे नाम है। कादिर कोसे। मतलब आप अंकल कादिर कोसे के बारे में बात कर रही हैं? हाँ, वही तो है। और तुम अपने जीजाजी को अंकल बुलाओगी? तुम भी ना, तुम्हें भी आंटी बुलाना पड़ेगा। तुम्हें भी आंटी बुलाएंगे अब हम। पर अंकल इसलिए क्योंकि वो 47 साल के हैं और वो इस हॉस्पिटल में केयर टेकर है, डॉक्टर नहीं। उनके बस 5 बच्चे हैं, पिछले साल ही उनकी बीवी की डेथ हो गई। सुनकर दुख हुआ। हाँ, बहुत बुरा हुआ उनके साथ, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। शर्मानी चाहिए तुम्हें महामुरे, शर्मानी चाहिए। तुम वो फल बेचने वाली औरत हो जो सड़ा हुआ एप्पल चुपके से बैग में डाल देती है। ज्यादा हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा। मुराद सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ। सुना, ये तुम्हारा लिया है। ये किसकी तरफ से? क्या पता, तुम्हारा नाम इस पर लिखा हुआ है और इतने सारे रेड रोजेस हैं, तो जाहिर सी बात है कि किसी खास ने तुम्हारे लिए इन्हें भेजा होगा। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने? पर मेरा तो कोई समझ नहीं आ रहा मैं इस समय क्यों इन्वॉल्व हो रहा हूँ। ये तुम्हारी लाइफ है, अभी पता चल जाएगा। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आप सही थे, ये किसी आदमी ने ही भेजे हैं। शायद कोई गलत फहमी हो गई होगी। अगली बार मैं उसे बता दूंगी इसे मेरी टेबल पर ड्रॉप करें, आपके केबिन में नहीं। नहीं तो आपको मेरी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और कुछ चाहिए सर? नो।